कक्षा 12वीं के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर को यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हेलो एल्केन को अच्छे से समझा, साथ में हेलो एरीन्स क्या होते हैं ये भी समझा, एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं ये भी देखा। आज हम देखेंगे कि हेलो एल्केन बनाए कैसे जाते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, बहुत ही बढ़िया से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ईयरफोन लगा के एकांत में पढ़ाई करते हैं। तो शुरू करें फिर, चलिए हेडिंग लगाएंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। और ये जो प्रोसेस है ये आने वाले लेक्चर तक भी चलेगी, क्योंकि हेलो एल्केन बनाने की कई विधियां हैं और जिनको हमें डिटेल से एक एक करके समझना है। आज हम बेसिकली समझेंगे कि एल्केन से कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं। चलो हेडिंग तो आपने लगा ली होगी, अब हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन सबसे पहले हम बनाएंगे। देखो एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्कोहल PCl3 PCl5 से बना सकते हैं, लेकिन सारी चीजें एक ही वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भले ही आपको मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन मैकेनिज्म के बिना आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगी और आपको सरल भी नहीं लगेगा। तो आप चाहते हो ना कि सारी चीजें सरल हो बिल्कुल आसान भाषा में, तो थोड़ा सा तो वेट करना ही होगा, धीरज रखते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए, सबसे पहले हम हेलो एल्केन यानी कि आर बॉन्ड एक्स बनाएंगे, किससे बनाएंगे, एल्केन से। तो हेडिंग लगाएंगे, तो शुरू करेंगे कि एल्केन से हम कैसे बना सकते हैं। देखो ये इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ था लेक्चर नंबर 1 में, हमने देखा था कि एल्केन में हम एक हेलोजन डाल देंगे और एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो लगभग बिल्कुल वैसा ही है, बस ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट क्लियर होगा अच्छे से समझना। तो एल्केन में हम कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। अब ये हेलोजनीकरण क्या है, सीधा सा मतलब है हेलोजन के साथ में रिएक्ट करवा देना। जैसे एक एग्जांपल समझो, सब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई एल्केन है, जैसे ये देखो ये CH4 मेथेन एक एल्केन श्रेणी का समूह का एक यौगिक है या कंपाउंड है CH4। अब इसमें यदि आप हेलोजन से रिएक्ट करवाओगे कोई भी हेलोजन एटम, जैसे Cl2 मान लो, ठीक है, ये हेलोजन एटम ले लिया और क्रिया हुई, तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन ऐड होगा, तो क्या बनेगा बताओ। एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो 3 बचेंगे, H कितने थे, 4, तो CH3, और एक हेलोजन उसमें जुड़ गया यानी एक क्लोरीन का परमाणु जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, Cl। अब ये जो H यहां से निकला है और एक Cl जुड़ा तो एक Cl बच गया है, ये HCl हो गया, तो यहाँ पे HCl, क्लियर हुआ कि नहीं। 3, 4 H थे, एक H निकल गया क्योंकि Cl को जुड़ना है, इसको ऐसे समझो CH, H, 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 ये देखो कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है। अब जैसे एक H निकलेगा इधर से तो ये तो इधर आ जाएगा और वहां पे एक Cl जुड़ गया, लेकिन कितने Cl थे, 2, एक Cl यहां जुड़ा, एक Cl तो बच गया, तो ये देखो HCl आ गया। समझ में कि नहीं आया बताओ कमेंट करके, ठीक है, चलो मिटा देते हैं ये सब। तो ये जो रिएक्शन है इससे क्या बन गया, ये हेलो एल्केन। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना कैसे हुआ होगा ये, मतलब ये रिएक्शन हुई तो है कि ये क्या है बताओ, मेथेन, और बन क्या गया, क्लोरोमेथेन, IUPAC नेम इसका क्या होगा, ये बन गया।
तो ये क्लोरोमेथेन, अगर वहां पे एथेन लिया होता तो क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन ऐसे बनते जाते। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन यहां से बन जाते हैं एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। हेलोजनीकरण का मतलब होता है कि इसमें हम Cl जोड़ सकते हैं, इसमें हम Br जोड़ सकते हैं, इसमें हम I जोड़ सकते हैं, इसमें हम F जोड़ सकते हैं। लेकिन F वाली रिएक्शन थोड़ी सी, अब धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि F वाली रिएक्शन खतरनाक होती है, ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, अभी आएगा समझ में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी भाषा सरल रखूं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, क्रियाविधि। हेडिंग डालिए, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं क्रियाविधि कि हुआ ये कैसे। अब हो तो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज समझना। देखो, मैकेनिज्म बहुत ही अच्छी चीज होती है समझने के लिए। देखो, इसका मैकेनिज्म हो रहा है किसके द्वारा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये इंग्लिश की कुछ वर्ड मैं यूज करूंगा क्योंकि एकदम शुद्ध हिंदी में नहीं पढ़ा सकते, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा सा यूज करेंगे लेकिन हिंदी बताते जाएंगे। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब इसको समझा दे रहा हूं कि कैसे होगा। इसको बोलते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक क्रियाविधि। अब फ्री रेडिकल क्या है उसको समझो। जैसे फ्री रेडिकल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है। अब फ्री रेडिकल कैसे बनता है, मैंने IUPAC के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यदि आपने देखा हो तो। देखो, ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा तो एक हाइड्रोजन का होगा, तब बनते हैं बॉन्ड, है ना। जैसे एक बॉन्ड कहीं आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन है उसमें। अगर दो बॉन्ड देख रहे हो तो इसका मतलब है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये चार इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से बॉन्ड का मतलब होता है। तो अब जैसे मान लो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो ये देखो ये कार्बन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन रह गया, जिसे हम डॉट से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा CH3, CH3, CH3 और ये डॉट, और ये जो डॉट दिख रहा है ना, यही कहलाता है फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक। कहीं भी अलग से लिख लो, क्या कहलाता है ये, मुक्त मूलक। ठीक है, नोट कर लो इसको, यही कहलाता है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। अब ये ऐसा क्यों होता है, किसी दूसरे तत्व की या दूसरे ऋण विद्युती परमाणु की उपस्थिति में ऐसा हो जाता है। जैसे क्लोरीन यहाँ पे ले लिया, तो क्लोरीन ने इसको अलग कर दिया, क्योंकि क्लोरीन इसको खींचेगा तो यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जा सकता है। इतनी छोटी सी कहानी। अब ये और कहाँ कहाँ हो सकता है, इसको साफ करें करें ओके। देखो और कहाँ हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड डला है, समझना इस बात को, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब अगर ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और ये अपना लेके चला जाएगा, तो Cl डॉट ये होगा और Cl डॉट ये होगा, इसे भी क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल, इसे भी क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। आया समझ में कि नहीं, थोड़ा सा बता दिया फ्री रेडिकल क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका ये जो रिएक्शन है वो होती कैसे है, इस चीज को आगे समझेंगे। अब समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई। सबसे पहले होगा क्या, ये देखो ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है ये तीन स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, टोटल स्टेप इसके कितने हैं, तीन। बहुत ध्यान से समझना, कितने स्टेप हैं, तीन। पहला जो स्टेप है, इंग्लिश वर्ड यूज होंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश आगे जब आप नीट की तैयारी करोगे या कुछ भी करोगे तो इंग्लिश के वर्ड ही वहां पे यूज होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अनजानी सी चीज है। आपको ये लगेगा हाँ यार ये चीज हमने पढ़ी हुई है, बस इसको अब जोड़ना बस है आगे, ऐसा रहेगा। बोर्ड की भी तैयारी हो रही है और आपको बोर्ड के ऊपर पिलर दिए जा रहे हैं ताकि आप दूसरा घर बनाओ तो कनेक्ट कर सको, है ना, ये चीज है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टेप थ्री में आप देखोगे कि स्टेप थ्री होते, मतलब तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है
चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, मुक्त मूलक बनते हैं। जैसे समझो सबसे पहले हुआ क्या कि क्लोरीन था आपके पास Cl2, या Cl बॉन्ड Cl लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl। तो इसमें क्या हुआ, अब इसमें दो प्रकार से होता है। देखो Cl बॉन्ड Cl है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है। ध्यान से समझना, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाए तो इसे आप बोलोगे, होमोलिटिक। क्या बोलोगे? होमोलिटिक फिजन। अभी मैं आपको सब समझा देता हूं। होमोलिटिक फिजन यानी कि समविदलन। अब आपका दिमाग घूमने लगा होगा, ये क्या चीज आ गई है। समविदलन मतलब, विदलन मतलब विखंडन, बंद का टूटना। बंद से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो समान रूप से, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे ये बंद है और किसी एक परमाणु की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए, ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए किसी एक परमाणु की तरफ, तो इसे बोलते हैं हेट्रोफिजन। याद रखना हेट्रोफिजन, ठीक है। तो हेट्रोफिजन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पे जाते हैं, लेकिन होमो में, होमो मतलब बराबर, तो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ये चीज भी नोट कर लो कहीं पे कि होमोलिटिक फिजन यानी कि समविदलन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और हेट्रोफिजन में दोनों ही किसी पे जा सकते हैं जो ज्यादा ऋणविद्युती होगा। इसमें तो नहीं होगा, बस एग्जाम्पल से समझा दिया है। चलो आगे बढ़े, मिटा दें इसको। तो ये चीज रहती है। अब इधर देखो, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मुक्त मूलक क्रियाविधि है, इसमें क्या होगा, पहला स्टेप होगा इसमें होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन मतलब Cl के पास एक डॉट आ जाएगा और प्लस दूसरे Cl के पास भी एक डॉट आ जाएगा। पहला स्टेप ये हो रहा है। इस चेन, इस रिएक्शन को समझ रहे हैं कैसे हुई है, तो केवल यही फोकस करो, क्लोरीन के एटम है कि नहीं है बताओ। बिल्कुल है। कितने हैं? दो हैं। दोनों के पास बॉन्ड लगा है? बिल्कुल लगा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक में क्या हुआ, समविदलन से बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर आएगा। एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा स्टेप इसका होता है चेन प्रोपोगेशन। अब ये क्या है, इसको समझो, इसे हम कह सकते हैं संचरण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक फ्री रेडिकल है तो वो दूसरे और फ्री रेडिकल बनाएगा, इस स्टेप का यही उद्देश्य है। और ये स्टेप दो चरणों में होता है, बहुत ध्यान से समझते जाना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये रिमाइंड मी लेटर, ओके। चलो इधर देखो, ये देखो सबसे पहले इधर देखो, अब ये जो मुक्त मूलक है ये कैसा हो गया, हाईली रिएक्टिव, यानी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने के लिए ये बेताब है, क्रिया करने के लिए बेताब है, क्योंकि इसको, इसका एटम इससे छीन लिया गया है। तो अब ये अस्थाई हो गया, बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, रिएक्ट करने के लिए रेडी है। तो ये जाएगा किसी स्थाई के पास। अस्थाई किसके पास जाता है? स्थाई के पास, ऐसा याद रखना। तो ये अस्थाई है और ये जाएगा स्थाई के पास। तो स्थाई कौन है? CH4। इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार, और CH4 चारों तरफ एच लगे हैं, तो ये कैसा है? स्थाई है। आ गया समझ में कि नहीं, बताओ? तो और ये कैसा है? अस्थाई। Cl डॉट कैसा है? अस्थाई। तो ये जाएगा नेक्स्ट स्टेप में किसके पास, आप समझ गए होंगे किसके पास, CH4 के पास। तो CH4 में एक हाइड्रोजन यहां लगा रहता है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, और ये जो अस्थाई चीज है यहां पहुंची। ये स्थाई था, अपनी जिंदगी जी रहा था बहुत बड़े ही आराम से, लेकिन ये पहुंचा, ये हाईली रिएक्टिव है। तो इसने किस पे अटैक मारा? हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन में देखो क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन को अलग करके HCl बना लिया, लेकिन लेकिन ध्यान से समझना, इस बॉन्ड को ध्यान से देखो, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके चला जाएगा, लेकिन यहां पे एक तो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला, ये तो लेके चला गया हाइड्रोजन, एक बचेगा, तो यहां पे हमें मिलेगा CH, H, H और डॉट।
ये वाला, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और इसने बना लिया HCl। तो Cl डॉट स्थाई हो गया कि नहीं, Cl डॉट क्या हो गया, स्थाई। लेकिन अपना जो ये हंसी खुशी रह रहा था, ये कैसा हो गया, अस्थाई। जिसके ऊपर डॉट लगा समझो वो अस्थाई है। तो ये देखो ये कैसा हो गया, अस्थाई। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, देखो क्या हो रहा है। अब ये अस्थाई किसके पास जाता है, हमेशा स्थाई के पास। तो अब ये पहुंचा स्थाई के पास, यहां ध्यान से समझना। तो ये पहुंचता है सी। अब देखो ये चेन प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका ए। अब बी पॉइंट समझना, इस चेन प्रोपोगेशन का उद्देश्य क्या है कि एक फ्री रेडिकल और दूसरे फ्री रेडिकल बना रहा है। देखो ये मुक्त मूलक, ये फ्री रेडिकल है कि नहीं, तो ये देखो इसने दूसरे फ्री रेडिकल बना दिए। अब ये फिर से ये कैसा हो गया, अस्थाई। तो ये अस्थाई को बना लो पहले, एच एच एच, इधर ये है डॉट, ये पहुंचा स्थाई के पास। तो दो तत्व, दो मॉलिक्यूल तो है, दो अलग अलग है ना, तो ये स्थाई होगा, Cl बॉन्ड Cl, ये स्थाई है, इसके ऊपर कोई डॉट नहीं है। अस्थाई स्थाई के पास जाएगा, कभी भी डॉट डॉट के पास नहीं जाएगा, याद रखना। तो देखो ये अस्थाई इसके पास गया। अब इसके पास गया तो इसमें फिर से क्या हो गया, ये जो क्लोरीन है ये यहां पहुंच गया इसको स्थाई करने के लिए। तो देखो क्या हो गया, H H H और ये Cl यहां जुड़ा, तो ये डॉट मिट जाएगा, Cl जुड़ गया। असल में हुआ क्या, यहां पे भी होमोलिटिक फिजन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन अपना लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास डॉट आ गया, इसके पास डॉट आ गया, तो ये डॉट लेके अपना यहां चला गया, बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, बॉन्ड बन गया, और ये फिर Cl डॉट एक बच गया। ये Cl डॉट क्या हो गया, एक बच गया। थोड़ा सा मैं ऐसे करूंगा, चलो देखते हैं। ओके ये क्या हो गया, Cl डॉट एक बच गया। तो ये डॉट फिर जाएगा उसके पास, यहां पे ये रिएक्शन फिर होने लगेगी। तो ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है, और यहाँ पे ये तो अच्छी बात है कि Cl डॉट हमें मिला। Cl डॉट मिलने के क्या मायने हैं कि ये रिएक्शन और भी होती रहती है, ऐसा नहीं कि एक बार होगी बस जल्दी से खत्म हो गई, नहीं, ये रिएक्शन चलती रहती है। तो Cl डॉट यहाँ पे मिला, और ये क्या है, CH3Cl। तो ये मैकेनिज्म था CH3Cl। अब देखो अब इसका थर्ड स्टेप, ये तीन स्टेप में होता है ना, तो अभी तो ये हुआ है, तीसरा स्टेप समझो, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में चेन टर्मिनेशन जिसे हम बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में आपको ये पता लगेगा जो डॉट वाले हैं उनको उठाओ। दोनों स्टेप में देखो डॉट डॉट वाले कौन से थे, दोनों स्टेप में देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले ये Cl डॉट था आपके पास, ये उठा लो, ऑब्लिक लगा लो, एक ये था CH3 डॉट, CH3 डॉट, ये उठा लिया, दोनों उठा लिए। अब इन दोनों से मिला के क्या क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी देखो, अगर Cl डॉट से ही रिएक्शन कर जाएगा तो Cl2 बन जाएगा, तो एक ये उत्पाद बन सकता है रिएक्शन में, आपको ये उत्पाद दिख रहे हैं ना, ये कैसे पता लगाते हैं, इस मैकेनिज्म में थर्ड स्टेप के द्वारा, चेन टर्मिनेशन। इसमें आपको क्या पता चलता है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ देख लो जिसपे डॉट लगा है, सेकेंड स्टेप उठाओ जिसमें डॉट लगा है वो सारे उठा लो। तो एक ये यहाँ पे देखो डॉट किस पे लगा है, CH3 पे डॉट लगा है, या यहाँ देख लो ये डॉट लगा है, या फिर यहाँ देख लो ये डॉट, लेकिन रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। तो Cl डॉट मिलके बना सकते हैं ये Cl2, या CH3 डॉट आपस में मिल सकते हैं, देखो इस तरीके से CH3 डॉट आपस में मिलके CH3 बॉन्ड CH3 बना सकते हैं। तो एक उत्पाद ये भी बन सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं CH3 डॉट CH3, एक ये भी बन सकता है, या फिर ये दोनों मिलेंगे तो आपस में इनका बॉन्ड बनेगा तो CH3Cl बनेगा। तो आपसे कंपटीशन एग्जाम में यही तो पूछा जा सकता है, आपको रिएक्शन दे दी कि मैथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या उत्पाद बनाएगा, या मैथेन का हेलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो क्या उत्पाद बनेंगे, आप सीधा लिख दोगे CH3 क्लोरोमेथेन HCl, क्या ये भी ये नहीं बनेंगे, देखो ये बन रहा है यहाँ,
ये वाला? बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये भी बनते हैं, ये भी बनता है और ये भी बनता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देखो इसमें कहीं नहीं लिखा कि एथेन बन रहा है, लेकिन बनता है थोड़ा सा, बनता है कि नहीं? इस पॉइंट को नोट करना, मैकेनिज्म से एक एक बात खुल जाती है कि क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे एथेन भी थोड़ी सी मात्रा में बनता है, क्लोरीन भी थोड़ी सी मात्रा में बनता है लेकिन कम बनता है, इसलिए इसका यूज नहीं कर पाते। कम बनता है लेकिन बनता तो है कि नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म से ये सब चीजें क्लियर होती है। अब वापस ये मैकेनिज्म हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसी रिएक्शन को फिर से लिखते हैं। तो यहां पे हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं, तो यहां पे एक बात और ध्यान रखना कि ये जो होता है जो रिएक्शन वो एच न्यू की उपस्थिति में होता है, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में है इसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ये मैं भूल गया था बताना, तो यहाँ पे याद रखना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये संविदलन कर रहे हैं, और इसका यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और वो फ्री रेडिकल से ये सब चीजें हो रही है, सारी सारा मैकेनिज्म। तो अब देखो ये जो रिएक्शन मैंने फिर से लिख ली है, अब इस रिएक्शन में थोड़ा ध्यान देना, इस रिएक्शन ये इतना बस अभी इतना इतने का तो मैकेनिज्म समझ लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती, ये आगे फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा। अब ये एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, ये फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा तो आएगा CH2, और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो Cl2। हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकला है, ध्यान से समझो, हाइड्रोजन निकालो CH2, क्लोरीन जोड़ दो, एक क्लोरीन पहले से था एक और जोड़ दो Cl2, लेकिन इसके पास कितने क्लोरीन थे, दो। इसको इधर समझो, वो समझ में नहीं आ रहा होगा, CH3Cl है। अब इसकी क्रिया फिर क्लोरीन से होगी, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं, यहां से क्लोरीन जुड़ेगा, इसमें एक हाइड्रोजन निकला क्लोरीन जुड़ गया। अभी भी नहीं सर समझ में आ रहा, इधर देखो, ये देखो CH3Cl बना लेते हैं, इसमें क्रिया करवाएंगे क्लोरीन से, दो क्लोरीन से। तो पहला क्लोरीन जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह पे बैठेगा, बैठ गया, तो ये हाइड्रोजन निकला कि नहीं, तो ये हाइड्रोजन इधर बना लो, यहां से निकला हाइड्रोजन, क्लोरीन उधर आ गया, और एक क्लोरीन ये था तो HCl बनेगा और दो क्लोरीन आ जाएंगे, तो CCl HHCl, और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, ये चीज रहती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट में समझो ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो दो हाइड्रोजन बचेंगे, एक क्लोरीन और बढ़ेगा, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन घटेगा क्लोरीन बढ़ेगा, बस ऐसा करते जाओ, क्लोरीन लिखते जाओ, और यहाँ पे हाइड्रोजन घटा दो एक और बचा, तीन क्लोरीन हो गए, फिर यहाँ पे क्या कर दो, क्लोरीन से फिर क्रिया कर दो, तो हाइड्रोजन घटा दो और क्लोरीन एक बढ़ा दो, CCl4 पे जाके रुकता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रिया ऐसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन का आधिक्य रहता है, हम कितना भी कोशिश कर ले क्लोरीन थोड़ा बहुत तो अधिक हो ही जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन यहां ना रुक के ऐसे रुकती है। अब इसका मैकेनिज्म अलग से होगा ये पूरी रिएक्शन का, वो भी हम समझ लेते हैं अभी बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझेंगे, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बस ध्यान से समझते जाओ। शुरू शुरू में पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन दोबारा से देख लोगे ना एक बार तो बस क्लियर खत्म। और ये एक नई चीज है ना, तो नई चीज हमेशा ही कठिन लगती है, तो एकदम हिम्मत नहीं हारना कि अरे यार इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सरल बताने की, बस ध्यान से देखते जाओ। ये CCl4 पे रुकता है, तो ये वाली क्रिया जो है ये Cl क्लोरीनीकरण वाली मेथेन की, ये लैब में नहीं हो सकती, इतनी बस, हम लैब में ये नहीं बना सकते क्लोरोमेथेन, ये बना सकते हैं CCl4, क्योंकि हमने लैब में इन दोनों को मिलाया और 1 सेकंड के अंदर ये बन गया, क्योंकि ये बीच में बना होगा लेकिन उसने फिर रिएक्ट किया क्लोरीन से, क्लोरीन से, क्लोरीन से करके CCl4 में कन्वर्ट हो गया। तो लैब में अगर आप सोचो कि ये बन जाए तो नहीं बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे, आप कर लेना प्रयोग अपने स्कूल में, इन दोनों को मिलाओगे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, तो फिर ये CH3Cl नहीं बनेगा क्या, ये बनेगा कहाँ,
फैक्ट्रियों के अंदर अगर हमें इसकी विशेष रूप से जरूरत है तो ये इंडस्ट्री लेवल पे हम बना सकते हैं, क्योंकि हम उसमें क्लोरीन को कंट्रोल करके एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना के क्लोरीन को कंट्रोल करेंगे और फिर ये रिएक्शन रोक के केवल यही रिएक्शन करवा सकते हैं जिसमें CH3Cl हमें प्राप्त होगा। लेकिन लैब के अंदर कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आप कंट्रोल कर लो, वहां पे तो आप जाओगे मेथेन के अंदर क्लोरीन डालोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, बस तो सीधा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। अब आप सोचोगे कि ये बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनता तो है लेकिन इतनी जल्दी जल्दी रिएक्शन होती है कि ये बने नहीं पाया और यहाँ पर रिएक्शन हुई CCl4 बन गया। तो ये सब चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि अभी तो हमने समझा केवल एक ही लाइन का, अब इतनी सारी चीजें हो रही है तो उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं करवाऊंगा, आप भी ध्यान से समझना। कुछ नहीं है, फ्री रेडिकल जहां पे है वहां पे वो अस्थाई माना जाएगा तो वो स्थाई के पास चला जाएगा, और जो अस्थाई है वो फिर से स्थाई के पास चला जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, अब पहली रिएक्शन तो आपने ये देखी, इधर देखो, इसमें यहां तक का जो है मैकेनिज्म हो गया था, लेकिन अब बना क्या था ये देखो, CH3Cl बना था। अब इसकी रिएक्शन आगे होगी इस चीज की, है ना। और हमने देखा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तक ये रिएक्शन जा रही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक, तो कैसे जाती है उसका मैकेनिज्म यहाँ पे समझते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से रिएक्शन ली CH3Cl जो बन गया था, इसकी क्रिया क्लोरीन से हो रही है, तो क्या बना दे रहा है, CH2Cl2 और प्लस HCl। कैसे पता चला, यहां से एक हाइड्रोजन घटाओ तो CH2 हो गया, एक क्लोरीन ऐड कर दो तो क्या हो गया, Cl2 हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसे बन रही है इसके बारे में समझ, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। चलो देखते हैं इसकी क्रियाविधि, मैंने यहाँ पे लिख लिया है रिएक्शन को, आप भी बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है। ओके, देखो अब पहला रिएक्शन हुई, इसके बाद ये बना, अब ये से ये कैसे बनता है उस चीज को देखो। अब देखो स्टेप फर्स्ट, आपने तीन स्टेप पढ़े हैं, इसके तीन स्टेप आपने पढ़े हुए हैं, तो इसका जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या कहता है, पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, चेन बस इसको क्रम से ही पढ़ना है, इनिशिएशन, ये क्या कहता है चेन इनिशिएशन, ये क्या करेगा, क्लोरीन क्लोरीन का विखंडन करवाएगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो सूर्य प्रकाश इस पे पड़ेगा तो क्लोरीन जो है, जो क्लोरीन था, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन बढ़िया मस्ती से रह रहा था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था, जैसे ही सनलाइट पड़ी ये अपना ट्रांसफर हो गया इस पे और ये ट्रांसफर हो गया इस, इसे क्या कहते हैं बताओ, मैंने आपको बताया है, कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करके, क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन, क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन यानी संविदलन। तो ये देखो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा डॉट करके, प्लस यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा डॉट करके, बताओ फर्स्ट स्टेप समझ में आया है कि नहीं भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग तो दौड़ाना ही पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस संविदलन कहलाता है। दूसरा स्टेप ले लेते हैं, दूसरा स्टेप का नाम क्या है, दूसरा स्टेप है चेन प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा ही सिंपल है कि जो ये हो गया, अब बहुत ज्यादा रिएक्ट ये चाहता है कि ये अस्थाई हो गया है, तो ये क्या चाहता है कि किसी स्थाई से रिएक्ट कर जाए, स्थाई कौन है अपना CH3Cl, चारों बॉन्ड बने हैं कार्बन के, इसको यहाँ पे लिखते हैं CH CH CL, ये देखो चारों बॉन्ड है, बढ़िया मस्ती से रह रहा था, खुशी हंसी खुशी। लेकिन यहाँ पे जब ये रिएक्टिव आया, कौन सा, क्लोरीन, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन इसका इसके ही पास है और बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये अस्थाई, हमेशा अस्थाई किसके पास जाएगा, स्थाई के पास, बहुत ही ध्यान से समझते जाना, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कठिन भी लगती है और बहुत सरल भी लगती है। अब देखो मैंने ये बताया,
अस्थाई स्थाई, बस ऐसे करना, कभी डॉट से डॉट कनेक्ट नहीं करना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, रजिस्टर पे लिख के देखोगे, आ जाएगी। तो देखो ये इधर आ जाएगा। तो अब ये क्या करता है, ये सीधा हाइड्रोजन को ही हटाता है। तो यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन को हटा के खुद आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, CH, सबसे पहले ये हाइड्रोजन को हटा देगा, वहां नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके छू हो जाएगा इसके साथ, क्या बना लेगा, HCl। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बेचारा बैठ गया कि भाई हमारा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, तभी तो बॉन्ड पॉसिबल था। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता हूं। और यहाँ पे Cl तो था ही। अब भैया ये जो चेन प्रोपोगेशन है, इसमें फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बनाता है, देखो इसने और बना दिया कि नहीं। अब बताओ ये क्लोरीन तो यहाँ पे हो गया स्थाई, लेकिन भाई साहब इसको कर दिया अस्थाई। तो अब ये किसके पास जाएगा बताओ, आप ही बताओ किसके पास जाएगा, अस्थाई किसके पास जाता है, स्थाई के पास ना। तो ये यहाँ पे जाएगा, आपको दिख रहा है ना, ओके। तो इधर देखो ये जाएगा CH HCl है यहाँ पे, यहाँ पे डॉट है, और ये पहुंचा स्थाई के पास। स्थाई कौन था, क्लोरीन। ये देखो यहाँ पे तो Cl बॉन्ड Cl। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं मेरे ऑफलाइन कोचिंग में कि सर जब वो टूट गया है तो वो स्थाई कैसे हो गया फिर से, वो तो टूट गया, उसके ऊपर तो डॉट आ गया था। तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल नहीं होता, क्लोरीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। तो वो क्या है, कुछ टूटते जा रहे हैं, कुछ अभी भी नहीं टूटे हैं, टूटते जा रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, याद रखना। तो इसको अस्थाई देख, इसने इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये इसका संविदलन होता है, इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। इसे क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन। ये इंग्लिश के वर्ड याद रखना, नहीं तो बाद में जब 12th के बाद कहीं पढ़ने जाओगे, वो टीचर इंग्लिश में पढ़ाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं ये। और इंग्लिश के वर्ड याद रहेंगे तो ये समझो धमाका कर दोगे, आपने यहाँ तक पढ़ा, बस आपको लगेगा हाँ यार अब तार कनेक्ट हो रहे हैं, अब हाईली एजुकेशन समझ में आ रही है। ठीक है, ये भी है। और फिर भी मैं बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा डीप, बोर्ड लेवल से तो और भी डीप है। तो आपका बोर्ड तो बहुत अच्छा होने वाला है, बस नोट्स बनाते जाना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके एक एक पॉइंट्स की। यहाँ पे देखो ये डॉट इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्लोरीन इस डॉट को पूरा कर, इसको स्थाई करने के लिए यहाँ चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CH और ये Cl इधर आ गया, और एक Cl पहले से ही जुड़ा था, लेकिन इस चक्कर में ये जो क्लोरीन है ये खुद अस्थाई हो गया इसका एक एटम। तो ये खुशी की बात है ना कि रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, रिएक्शन और आगे बढ़ती ही जाएगी और चीजें मिलती जाएंगी। तो देखो ये अब इसका तीसरा स्टेप करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, ध्यान से समझना, कैमरा थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं तीसरे स्टेप के लिए, ओके। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड है चेन टर्मिनेशन। अब ये वाला पॉइंट्स क्या कहता है, चेन टर्मिनेशन क्या है भाई साहब, इसको समझो। इसमें क्या होगा कि जो जो फ्री रेडिकल बने हैं उनको उठाओ। देखो ये चेन प्रोपोगेशन दो स्टेप में होता है, फर्स्ट और सेकंड होता ही है वो, तो दो स्टेप में। चलो जो जो फ्री रेडिकल है उनको उठाओ, एक Cl डॉट है, एक ये है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, उठा लो, ये CH2.Cl है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2Cl, और कार्बन के ऊपर डॉट लगाएंगे। कार्बन के ऊपर लगाना है, गलती नहीं करना है। और यहाँ पे क्या है, Cl डॉट है। चलो पॉसिबिलिटी ढूंढो, क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं, उत्पाद बनाएंगे अपन। देखो CH2Cl अगर ये दो बार कनेक्ट होगा, CH2Cl डॉट से डॉट होगा, और इधर भी हो जाएगा CH2Cl, ये भी डॉट है, तो डॉट डॉट मिलके एक बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो ऐसे बन सकता है Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ये देखो आप।
कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है, दो बॉन्ड ये हैं, दो ये हैं, हाइड्रोजन के दो ये हैं, दो ये, तो एक ये बन सकता है उत्पाद। दूसरा सीएल डॉट से ही कनेक्ट हो जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, तो एक बन सकता है Cl2। आया समझ में कि नहीं? एक इन दोनों से मिला के बन सकता है CH2Cl2, CH2Cl2, डॉट खत्म हो जाएंगे सबके और ये बनेंगे उत्पाद। अब आप रिएक्शन देखो, इसमें कहीं ये दिख रहा है क्या? और आपको जेई आईआईटी में यही पूछ लिया जाता है नीट के अंदर कि इस रिएक्शन में बनने वाले, यहां तक लिख दिया उनने और उनने कहा दिया कि इस रिएक्शन में बनने वाले उत्पाद है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप रिएक्शन लिखोगे हाइड्रोजन जोड़ के ऐसे ही, और आपको ये ऑप्शन कहीं दिखेंगे ही नहीं, ये दिखेगा एक बस और बाकी कोई अलग, तो क्या करोगे फिर? ऐसे में हो जाएगा क्या आपका? कहीं भी किसी कॉलेज के अंदर अगर एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो हो जाएगा क्या रट के? नहीं होगा ना। इसलिए ध्यान रखना, ये जो है ये क्या है, 1,1-डाईक्लोरोएथेन, आईयूपीएसी पढ़ाई है ना मैंने आपको डिटेल में, तो 1,1-डाईक्लोरोएथेन है ये, तो ये इसमें दिया रहेगा, तो जिस पे मैकेनिज्म बनता है ना वही कर पाएगा। अब मैकेनिज्म की एक खास बात है कि ये शुरू में थोड़ा सा कठिन लगता है, बाद में ये धीरे धीरे सरल होने लगता है। शुरू में आपको लगेगा यार कैसे करेंगे, ये फ्री रेडिकल क्या होता है, कैसे कर, कहां से याद रहेगा, सर ने तो करवा दिया। ऐसा नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा और ये नोट करते जाना। तो इस तरीके से हमें दूसरी रिएक्शन पता चली। लेकिन अब ये रिएक्शन और अब तीसरी रिएक्शन जो बनती है उस पे आ जाओ। अब हमने यहाँ पे देखो बनाया क्या है उसको समझो, पहले बनाया क्या है CH2Cl2 यहाँ पे। अब ये CH2Cl2 फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, इधर देखो मैं बना के बताता हूं। अब ये रिएक्शन बनी है जो हमने समझी थी। अब इस रिएक्शन में आप देखो कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो यहाँ पे ऐड हो गया तो Cl3 हो गया और एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 की जगह पे केवल CH, और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो बचे थे वो यहाँ पे आ गए। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा बहुत ध्यान से समझना, एडिंग लगाएंगे क्रिया विधि। अब मैकेनिज्म भी कितने चरणों में होता है, तीन चरणों में। पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरीन का संबंधन होगा, बहुत ही सिंपल है। क्लोरीन को उठाओ, सीएल बॉन्ड सीएल था तो ये सीएल डॉट प्लस सीएल डॉट हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन में आपको अच्छे से पता है कि जो क्लोरीन बना है वो है हाईली रिएक्टिव, या क्रिया करना चाहेगा तो ये जाएगा स्थाई के पास, स्थाई कौन है, CH2Cl2। तो इधर देखो सी, आपको दिख तो रहा है ना क्लियर? अरे ठीक है, अब अपन कैमरा को इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है, मिटा चाहे देंगे। फिर से समझ लो, चेन इनिशिएशन में आपको समझ में तो आ गया होगा क्लोरीन क्लोरीन जो है तो क्लोरीन डॉट इधर आ गया, ठीक है, ये क्योंकि इसका संविदलन हुआ। और या पहली बार तो आप देख नहीं रहे कि आपको समझ में नहीं आया हो। अब चेन प्रोपोगेशन देख लो इधर पे, ये अब ये हाईली रिएक्टिव हो गया सीएल डॉट, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये किसके पास जाएगा, अपने स्थाई के पास, CH2Cl2 के पास। तो इधर देखो CH2Cl2 बना दिया, कार्बन की वैलेंसी पूरी है इसलिए स्थाई है। लेकिन जैसे ही इसके पास ये सीएल डॉट पहुंचा तो चेन प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बनाता है, तो ये इसको फ्री रेडिकल बना देगा, तो सीधी सी बात है क्या करेगा, ये हाइड्रोजन निकाल देगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ गया रेडिकल और फिर यहाँ पे रेडिकल तो आ गया, यहाँ पे कार्बन, ऊपर एच था नीचे सीएल था इधर सीएल था, ये रेडिकल क्यों, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है भाई, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया सीएल से कनेक्ट हो गया तो एससीएल बना लिया।
आज समझ में कि नहीं? ये चेन प्रोपोगेशन में दो स्टेप होते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? अब ये हो गया अस्थाई, तो ये किसके पास जाएगा? स्थाई के पास। तो स्थाई कौन है बताओ? स्थाई भाई साहब अपने Cl2 है। तो यहां पे देखो, ये फ्री रेडिकल यहां पे रहेगा CH, नहीं यहां पे Cl है, फिर से लिख देता हूं, C ऊपर है H, नीचे Cl, इधर Cl, इधर फ्री रेडिकल। अब यहां पे क्या होगा? Cl बॉन्ड Cl है इधर। अब ये स्थाई है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है एक। अब ये कहां से आया? मैंने आपको बता दिया कि यहां पे एक अस्थाई है, तो दूसरा स्थाई लेना पड़ेगा, बस इतना याद रखो। क्लोरीन इधर आ जाएगा, इसके अंदर संविदरण होगा कि नहीं होगा? एक डॉट यहां आ जाएगा, एक डॉट इधर आ जाएगा, तो ये डॉट इसको कंप्लीट करने के लिए पहुंचेगा। तो CH, इधर Cl जुड़ जाएगा, जहां पर रेडिकल है वहीं पे आएगा, और ये और ये, ठीक है? तो ये CH Cl3 बन गया, और ये Cl जो है ये फिर से एक डॉट मिल गया। ये दो स्टेप आपको मिले। अब तीसरा स्टेप इसका क्या होता है? चेन टर्मिनेशन। तो यहां पे आप लिख सकते हो थर्ड स्टेप, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा? चेन टर्मिनेशन के अंदर बहुत ही सिंपल चीज होती है, जो मूलक बने हुए हैं प्रोपोगेशन के अंदर वो उठा लो, Cl डॉट, और ये उठा लो CH Cl2, CH Cl2, और ये डॉट कार्बन के ऊपर लगा देते हैं, और ये Cl डॉट। अब ये मिलके क्या क्या बना सकते हो, बहुत ध्यान से समझना। पहले तो ये दो बार खुद अगर जुड़ जाता है, CH Cl2 और CH Cl2 खुद जुड़ता है, तो क्या बनाएगा? CH CH का एक बॉन्ड बनेगा, और दो क्लोरीन इधर है, दो क्लोरीन इधर है, तो ऐसे जोड़ दो ClCl ClCl। तो 1 2 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो एथेन बन गया ये, है ना? तो ये भी बनता है रिएक्शन के बीच में, और क्या बनेगा? ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाएंगे, ये पहला उत्पाद बन गया। दूसरा उत्पाद ये क्लोरीन क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्या बना देंगे? Cl2, है ना? अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CHCl3, क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा, तो तीसरा उत्पाद क्या बनेगा? CHCl3 CHCl3। ओके, तो ऐसे आपको तीन उत्पाद मिलेंगे। अब यही तो आपको नीट वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, IIT JEE में क्या पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे ये रिएक्शन दे दी, ये तो आपको पता है, लेकिन ये थोड़े ना आपको पता है, ये तो मैकेनिज्म बताएगा, तो ये वाला ऑप्शन में होगा, तो आप टिक करके आ जाओगे, आओगे कि नहीं आओगे बताओ, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमने देखा इसका मैकेनिज्म। अब इसके आगे CHCl3 से CCl4 जो बनेगा उसका मैकेनिज्म आप करना, ठीक है? आपको दे रहे हैं CCl4 का कैसे बनाओगे, इसके आगे बहुत सरल है। जैसे मैंने किया, सबसे पहले चेन इनिशिएशन करवा देना, फिर चेन प्रोपोगेशन करवा देना, चेन टर्मिनेशन करवा देना, और आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी। थोड़ा सा डिटेल में लेक्चर हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी चीज ऐसी रहना चाहे, सब चीजें आप पे बननी चाहिए, तो बस टाइम ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये चीज है कि हाँ, आपको एक बार में ही अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप पूरा फोकस से पढ़ते हो। आगे बढ़े, ठीक है? नोट कर लो इसको। अभी ये क्लोरीनेशन की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करें कि CH4 आपको दिया गया है, साथ में आपको क्लोरीन दिया गया है, नहीं क्लोरीन तो हो गया, फ्लोरीन जैसे ले लें, फ्लोरीन ले लें, और सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दें, तो क्या बनेगा? CH3F और प्लस HF। लेकिन ये रिएक्शन कभी भी लैब में करना नहीं है, अलाउ नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत भयंकर ब्लास्ट होता है बॉम्ब की तरह। तो इस रिएक्शन में आप लिख सकते हो कि बॉम्ब बनेगा, तो इस रिएक्शन को नॉर्मली अलाउ नहीं किया जाता है। अब थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ा लेते हैं, इधर देखो। सबसे पहले जब हमने ये किया था, इसमें आ जाओ वापिस, कुछ एक दो बातें और आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बातें। यहां पे देखो, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो चेन इनिशिएशन जो रिएक्शन है ये ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है? कुछ और अच्छी बातें कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इधर देखो,
चेन इनिशिएशन जब भी होगा, जब भी आप फ्री रेडिकल के द्वारा पहला स्टेप करोगे चेन इनिशिएशन, कभी कभार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नीट वगैरह में या आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम में, है ना। तो आप इसमें आप देखो कि जब ये हो रहा है तो इसमें ये ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी लगी, तो जब भी हमें ऊर्जा देनी पड़े तो ऊष्मा शोषी है, ये ऊष्मा को ले रहा है, तो क्या है ये, ऊष्मा शोषी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो लिखने के लिए आप लिख सकते हो, अब ये टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनको यूज आपको करना चाहिए आप 12th में पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप 12th के बाद अगर नीट की तैयारी करने लगे, IIT की करने लगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, ठीक है। हालांकि मैं बोर्ड लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड लेवल का ही है, ये मत समझना कि ये इतना ज्यादा है, ये नहीं, ये आपको समझने के लिए है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, इसलिए छोटी मोटी चीजें मैं साथ में बताता जा रहा हूँ आपके लिए, और आप भी कहोगे कि हाँ यार सन ने जब उस टाइम पे बताया था आज काम में आ रहा है, इसलिए। अब इधर देखो, ये ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो, ठीक है। और चेन प्रोपोगेशन क्या है, ये इधर इधर देखो, चेन प्रोपोगेशन में दो आती हैं, ए और बी, दोनों रिएक्शन में ये आप लिख देना यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी, यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्योंकि बॉन्ड बनते हैं, देखो इधर बन गया है ना बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है। ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखना, कुछ है जो मुझे याद आती है। और ये ऊष्मा क्षेपी है, और ये केवल किन किन में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले पोर्शन में, आयोडीन में ये ऊष्मा क्षेपी नहीं होती, वो एक अलग केस है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे, अभी इतना बस लिख लेना कि ये ऊष्मा क्षेपी है, लेकिन किस किस के केस में, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन वाला एक अलग केस बन जाता है, करेंगे अगले या उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में, तो अभी इतना बस ध्यान रखना, ठीक है। तो लेकिन ये जो ऊष्मा क्षेपी वाला ये पोर्शन है मैंने बताया, ऊष्मा शोषी वाला, ये तो सब में चलेगा, फ्लोरीन में भी, नहीं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो सर इसमें भी क्या कोई अपवाद है, इसमें नहीं है, इसमें आयोडीन भी आ जाता है, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन चाहे आयोडीन हो चाहे कुछ भी, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो उसके लिए, तो क्योंकि इसमें तो क्लोरीन का संवितरण होता है, ठीक है, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं, तो ये सब में रहता है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ऐसे आपको ये चीजें, अब एक अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एल्केन में आपने एक ही एग्जाम्पल ले लिया है मेथेन, क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एथेन से बना दो, प्रोपेन से, जैसे मैं प्रोपेन से आपको बना के बताता हूँ, ठीक है, प्रोपेन से, इधर हेडिंग डाल देते हैं, प्रोपेन से कैसे बनाओगे, इधर देखो प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखो, CH3, CH2, CH3, यही है ना प्रोपेन, मेथेन प्रोप, तीन कार्बन का प्रोपेन, इसकी क्लोरीनेशन करवा दो इसका, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल सकता है, देखो या तो ये धर के, या तो ये वाला हाइड्रोजन निकालेगा या तो ये वाला, तो देखो कैसे क्या हो सकता है, CH3C, यहाँ पे हाइड्रोजन एक निकाल के यहाँ क्लोरीन जोड़ सकता है और CH3 बना लेगा, या फिर यहाँ जुड़ सकता है, देखो कैसे, या फिर मैं बता देता हूँ, इधर भी जुड़ सकता है CH3, CH2 और CH2 और यहाँ पे Cl जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, सीधा जुड़ सकता है यहाँ पे। अब कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये और ये सेम पोजीशन है, एक ही बात है, 1 क्लोरो में प्रोपेन होगा, यहाँ से जोड़ दो तो भी 1 क्लोरो प्रोपेन, यौगिक वही बनेगा, तो इस तरफ जोड़ दिया। अब ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सही उत्पाद है ये भी तो जरूरी है, कौन सा सही माना जाएगा, ये वाला कि ये वाला, तो आंसर है ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन 2 कार्बन से सीधे कनेक्टेड है, तो इसे 2 डिग्री कहेंगे, क्या कहेंगे, 2 डिग्री। और यहाँ पे देखो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन यहाँ पे सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर उधर नहीं है कुछ, तो ये 1 डिग्री है, तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो याद रखना, कैसे याद रखोगे, 3 डिग्री, सब 3 डिग्री वाले की सबसे ज्यादा होती है स्थायित्व, उसके बाद 2 डिग्री वाले का, उसके बाद 1 डिग्री, ये किताबों में आपकी बातें लिखी है याद रखना, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से भी कम स्टेबल 1 डिग्री, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका है, क्लोरीन वाले का, तो ये उत्पाद बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा समझ चेंज
समझने वाली जो चीज है वो ध्यान से समझो कि ये 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला भी बनता है। यहाँ पे 2 डिग्री अगर ये 55% बन रहा है तो ये 45% प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये 45% बना है और ये 55%। ऐसा क्यों हो गया जब 1 डिग्री अनस्टेबल है तो ये क्यों बन गया 1 डिग्री? तो आंसर है कि 1 डिग्री को यहाँ से जो क्लोरीन है, क्लोरीन को जुड़ने के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो क्लोरीन को 3 हाइड्रोजन मिले। क्लोरीन जब इस पे अटैक मारता है इधर से और बीच में रहेगी चेन, फिर इस तरफ देखो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, CH3 के यहाँ पे भी है। तो क्लोरीन को जुड़ने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इधर भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी है जुड़ने के लिए। इसलिए यह 1 डिग्री में भी स्टेबल हो गया है। केवल यही यहाँ पे स्टेबल हुआ है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन समझ लो, या फिर ये समझ लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये इससे तो कम स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये 45% बन गया। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब ये अनस्टेबल है 1 डिग्री है तो ये बन क्यों गया? इसका रीजन ये है, और वो भी 45% मतलब लगभग समान ही बन गया। तो इसका रीजन है कि यहाँ पे क्लोरीन को जुड़ने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है। तो ये कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मैं आपको नोट्स तो दिखा ही दूंगा कि कैसे लिखना है। आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नोट्स मुझे नहीं बनाना है, आपके जो नोट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे वही चाहिए PDF में, तो आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आपको मेरा जो WhatsApp नंबर है उस पर मैसेज करना, तो PDF मिल जाएगा। लेकिन वो नोट्स बनवाने के लिए मुझे भी थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, इसलिए अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो एक मिनिमम प्राइस जो है आपको देनी पड़ेगी। बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी आपको वो देनी पे करनी पड़ेगी, और वो आपको WhatsApp पे ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपको PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन मैं तो आपके लिए प्रेफर यही करता हूँ कि खुद से नोट्स बनाओ तो ज्यादा सही रहता है। खुद आपको लिखोगे, दिमाग चलेगा, लेकिन किसी कारण से आपको टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी अपने पास है। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे सर नोट्स के पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट लगा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ नोट्स का, कि अगर नहीं है पैसे मत लो। अगर आपके पास 10 रुपए भी नहीं है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एफर्ट कर पाता है तो नोट्स लेने का उसे अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे नोट्स तो देने हैं ना, कैसे दो, ये चीज है। तो अब आप ये जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब हमने एल्केन से तो हेलो एल्केन बना लिया है, अब हम बात करेंगे एल्कीन से कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट में जरूर कमेंट किया करो, लाइक किया करो, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, आपका हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।